बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को कोर्ट ने 60 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मेरठ पुलिस ने याकूब और उसके बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अवैध मीट प्लांट संचालन में पिछले करीब 9 महीने से याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार था, जिसके बाद अब 50,000 का इनामी याकूब और उसका बेटा इमरान दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो याकूब कुरैशी पर 16 मुकदमे दर्ज है, तो वही उनके बेटे इमरान पर 9 मुकदमे मेरठ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर अदालत ने उन्हें 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो योगी सरकार का शिकंजा, बसपा नेता याकूब कुरैशी गिरफ्तार, बेटे समेत याकूब कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाना से गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने दोनों को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। याकूब और इमरान पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। अवैध मीट प्लांट मामले में पूरे परिवार की संपत्ति कुर्की गई। हाँ जी, अभी उसमें गैंगस्टर एक्ट जो था उसमें क्या नाम रिमांड पर बहस हो रही थी, जिसमें हमने रिमांड पर किया कि इन्होंने जो मेन एक केस था 272-273 एडल्ट फूड के ऊपर इन्होंने क्या नाम है उसमें गैंगस्टर एक्ट लगाया। स्पेसिकली जो केसेज हैं वो पुराने 15-20 साल उनके ऊपर 15-20 साल जो पुराने केसेज हैं उनके ऊपर उन्होंने गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया था, उनको केवल अरेस्ट किया गया था। अब जो मेन केस लगाया था कि एडल्ट फूड है उसका एक कारोबार करते हैं, एडल्ट फूड के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि वो एडल्ट नहीं है, वो फूड बिल्कुल ठीक था, तो फिर गैंगस्टर एक्ट किस बात की लगती है? केवल एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये, अदरवाइज गैंगस्टर एक्ट नहीं बनता है। कल देर रात्रि में SOG की टीम ने थाना चांदनी महल दिल्ली क्षेत्र से याकूब कुरैशी और उसके लड़के इमरान कुरैशी को अरेस्ट किया है। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे, जब हमारी टीम पहुँची तो ये दोनों वहाँ उसी घर में मौजूद थे। लोकल पुलिस का साथ लेके और हमारी टीम ने जब रेड किया तो ये अपने परिवार के साथ वहाँ पे मिले, उसी में इनको देर रात में अरेस्टिंग करके और थाना खरखोदा लाया गया है। आज जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी करके और जो भी हमारी कार्रवाई है वो पूरी करके कोर्ट के सामने इनको ले जाया जाएगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने टाइम से फरार थे और कितना इन पे इनाम घोषित किया गया था, कितने लोग थे? याकूब कुरैशी के विरुद्ध जो मुकदमा अप्रैल 2022 में पंजीकृत हुआ था इसमें ये लगातार फरार चल रहे थे, तब से ये वांटेड थे। और इमरान कुरैशी अभी हाल ही में जो एक मुकदमा लिखा गया है गैंगस्टर का नवम्बर में, उसमें ये वांटेड थे, तो उसमें याकूब कुरैशी भी वांटेड हैं। तो दोनों को अब आज जो अरेस्ट किया गया है वो मेन मुकदमा, ये जो गैंगस्टर का मुकदमा है उसमें अरेस्ट किया गया है। 10 महीने से फरार BSP के गद्दावर नेता कहलाने वाले याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी को SOG और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से रात दिल्ली से सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां अब उन्हें न्याय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश के बाद में उन्हें 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन 10 महीने वो कहाँ रहे, किनके संपर्क में रहे, ये तमाम अभी सवाल पैसे पर्दा उठना बाकी है। नेटवर्क 10 के लिए मेरठ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।